गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने कम्यूटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पर इंटरपोल के बारे में डिस्कस किया। तो हमने देखा था कि इंटरपोल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे साइज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं जो मुख्य पोल्स के मध्य लगाए जाते हैं, और जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर की श्रेणी में ब्रश के माध्यम से संयोजित की जाती है। अब क्या है कि इंटरपोल नैरो टैपर और अधिक एयर गैप रखने के कारण वो कभी भी सैचुरेट नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर कम्यूटेशन फेल होने की जो कंडीशन थी क्या थी, रिएक्टेंस वोल्टेज। तो रिएक्टेंस वोल्टेज को ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके साथ साथ आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव होता है जिसके अंडर क्या होता है कि पोल के जो एयर गैप है उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी यानी घनत्व ट्रेलिंग टिप पर अधिक होता था उस फ्लक्स को भी क्या कर देता है, एक समान वितरित कर देता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डीसी जनरेटर में लॉस होंगे वही क्या होंगे, आपके डीसी मोटर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए लॉस। अब ध्यान में रखना है कि जो डीसी मशीन है उसमें लॉस तीन प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला आपका हो सकता है कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस के अलावा दूसरा है आपका आयरन या कोर लॉस, और तीसरा होता है मैकेनिकल लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डीसी मशीन में, डीसी मशीन में लॉस को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है आपका आयरन या कोर लॉस, ठीक है, और दूसरा है आपका यहां पर कॉपर लॉस, ठीक है, और तीसरा है आपका यांत्रिक लॉस यानी मैकेनिकल लॉस। ठीक है, तो हमेशा लॉस क्या होते हैं, मशीन में हीट के रूप में उत्पन्न होते हैं जो उसकी दक्षता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मशीन में लॉस हीट यानी ऊष्मा हीट के रूप में उत्पन्न होते हैं जो मशीन की दक्षता को कम कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो मशीन में कोई भी लॉस हो, आयरन हो, कॉपर हो या मैकेनिकल लॉस हो, ये हमेशा हीट के रूप में उत्पन्न होंगे जो क्या करते हैं, मशीन की दक्षता को कम करते हैं। अब सबसे पहले बात करें यदि हम आयरन लॉस या इसे ही हम क्या कहते हैं, कोर लॉस। ठीक है, कि जब आपका आर्मेचर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, तो घूर्णन के कारण जो लॉस होते हैं वो कौन से होते हैं, आयरन लॉस या कोर लॉस होते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब किसी आर्मेचर कोर को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो वहाँ पर जो लॉस उत्पन्न होते हैं वो कौन से होते हैं, आयरन लॉस या कोर लॉस होते हैं। तो ध्यान में रखना है ये रोटेशन यानी घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब जब मशीन आर्मेचर आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करवाया जाता है तो घूर्णन के कारण आर्मेचर कोर में उत्पन्न लॉस आयरन या कोर लॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोर लॉस कहलाते हैं। अब देखिए, आयरन लॉस या कोर लॉस है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका आपका हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा है आपका एडी करंट लॉस। क्या है? एडी करंट लॉस, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि आयरन लॉस या एडी करंट लॉस किसके भाग हैं? आयरन लॉस के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। हिस्टेरेसिस लॉस, तो ध्यान में रखना है कि जब किसी कोर को हम चुंबकित करते हैं और उसके बाद विचुंबकित करते हैं तो कोर में जो अवशेषी फ्लक्स होता है वो भी क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है, जिससे आप बीएच वक्र बनाते हो, ठीक है। ये आपने क्या बनाया? बीएच वक्र बनाया, बी और एच। एच इक्वल टू क्या होता है? एनआई बटे एल होता है। बी इक्वल टू क्या होता है? फाइव अपॉन में ए होता है। तो यहां पर देखिए, जो एच है, ठीक है, चुंबकीय सामर्थ्य, वो धारा पर निर्भर करती है, जबकि जो फ्लक्स घनत्व होता है वो हमेशा फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, धारा का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पर कोर में फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप क्या करोगे, धारा का मान कम करोगे तो कोर में फ्लक्स क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर करंट का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर करंट का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। देखिए, यहाँ पर करंट का मान शून्य है, लेकिन कोर में क्या है? कुछ ना कुछ फ्लक्स अवशेषित रहता है। क्या रहता है? फ्लक्स रह जाता है। तो यही क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? जब किसी कोर को चुंबकित किया जाता है तथा विचुंबकित किया जाता है तो कोर में अवशेषी फ्लक्स हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस लॉस। अब देखिए, इस कोर को पूर्ण रूप से विचुंबकित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ाना पड़ता है। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या है कि करंट का मान शून्य हो चुका है, लेकिन कोर में अभी भी क्या है? फ्लक्स है। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स है आपका, ये हमेशा क्या है?
जो यहाँ पर फ्लक्स दिया है ये अवशेषी फ्लक्स है, और ये अवशेषी फ्लक्स हमेशा आपका क्या होता है कि किस रूप में होगा, लॉस के रूप में होगा, और वो कौन सा लॉस होगा, हिस्टेरेसिस लॉस। अब बात ये है कि इस कोर को पूर्णतः विचुंबकित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ाना पड़ता है। तो विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसे पूर्णतः विचुंबकित करने के लिए विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ाना पड़ता है। तो ये धारा का मान ही क्या कहलाता है, कोरोजिव कोरोजिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोजिव फोर्स कहलाता है। तो यहां पर जो लॉस होंगे कौन से, हिस्टेरेसिस लॉस, तो वो क्या होंगे आपके कि जो ये नीटा, ये क्या है, नियतांक है, यहाँ पे b की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर नीटा क्या है, नियतांक है, नीटा क्या है, नियतांक है, और b क्या है, यहाँ पर फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, ये हमेशा किस में होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। और F क्या है, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, ठीक है, ये मीटर क्यूब में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं वो हमेशा वॉल्यूम यानी आयतन पर निर्भर करते हैं कि जितना बड़ा आपका आर्मेचर होगा तो उसका आयतन उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस उतने ही क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इन हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए आपको हमेशा ऐसे पदार्थ का प्रयोग करना पड़ेगा जिनकी चुंबकशीलता तो क्या हो, अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आप आर्मेचर प्रयोग कर रहे हो तो सिलिकन स्टील का प्रयोग कर लीजिए। अब देखिए, स्टील होता है उसकी चुंबकशीलता और चालकता दोनों ही उच्च होती है, लेकिन चालकता उच्च होने के कारण क्या होता है कि इसमें लॉसेस अधिक रहते हैं। तो हम क्या करते थे, याद कीजिए कि इसमें 4% तक क्या मिलाते थे, सिलिकॉन मिलाते थे, जिससे चालकता कम हो जाती थी और चुंबकशीलता बनी रहती थी। तो इसका सॉल्यूशन यही है हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने का कि यहाँ पर आप जो पदार्थ प्रयोग कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, सिलिकन स्टील होना चाहिए। और इसके अलावा हमेशा इसमें जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, इसके नियतांक पर भी निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। उसके बाद में दूसरा कौन सा आता है, एडी करंट लॉस। नेक्स्ट है आपका एडी करंट लॉस यानी भंवर धारा हानि, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भंवर धारा हानि कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आपका आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो वहां पर जो आपका कंडक्टर होता है वो फ्लक्स को कट करता है, यानी आर्मेचर क्या करता है, फ्लक्स को कट करता है। तो फ्लक्स को कट करेगा तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, और आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, वो उस ईएमएफ के कारण आर्मेचर कोर में एक चक्रण धारा प्रवाहित होती है, और उस धारा का के कारण जो लॉस होता है वो ही क्या कहलाता है, चक्रण धारा हानि या भंवर धारा हानि। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या था, नॉर्थ पोल, और ये क्या था आपके पास, साउथ पोल था, और इसमें ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये आपका क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब इस चुंबक के क्षेत्र में ये आर्मेचर घूर्णन करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, और इस ईएमएफ के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी, वो क्या कहलाती है, चक्रण धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, चक्रण धारा या एडी करंट बोल सकते हो।
तो इस चक्रण धारा के कारण जो पावर लॉस होगा वही क्या कहलाएगा, एडी करंट लॉस कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करवाया जाता है तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है तथा ईएमएफ के कारण कोर में धारा प्रवाहित होती है जिसे चक्रण धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रण धारा कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसे हम क्या कहेंगे, चक्रण धारा कहेंगे तथा चक्रण धारा के कारण उत्पन्न लॉस ही भंवर धारा हानि या चक्रण धारा, दोनों सेम ही है, भंवर धारा हानि होते हैं। ठीक है, तो चक्रण धारा के कारण उत्पन्न लॉस ही भंवर धारा हानि कहलाती है, सॉरी हानि कॉल्ड मतलब कहलाती है। अब देखिए इस चक्रण धारा हानि को कैसे कम किया जाए, तो आप सभी जानते हो कि यहां पर जो लॉस होते हैं एडी करंट वो हमेशा किस पे निर्भर करते हैं, के बी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर इंटू वी, है ना। यानी यहां पर फ्लक्स घनत्व आवर्ती टी क्या है, यहां पर थिकनेस क्या है, थिकनेस। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को पतली पतली पत्तियों में काटते हैं, कोर को क्या करते हैं पतली पतली पत्तियों में काटते हैं और उन पत्तियों के मध्य वार्निश का क्या किया जाता है, कोटिंग की जाती है और उसका लेमिनेशन जितना कम होगा उतने ही इसमें क्या होंगे, लॉस कम होंगे। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जितनी कम थिकनेस होगी उतने ही कम क्या होंगे, लॉस, क्योंकि थिकनेस की स्क्वेयर के बराबर इसमें क्या होते हैं, पावर लॉस होती है। तो हमेशा इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कोर है उसको पतली पतली पत्तियों में काटा जाता है और उनके मध्य वार्निश कोटिंग यानी लैमिनेशन किया जाता है, तो उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत ही कम रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लॉस है वो थिकनेस की स्क्वेयर के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो यहां से आपसे कौन सा लॉस कंप्लीट हो चुका है, आयरन लॉस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आता है आपका कॉपर लॉस, सेकंड कौन सा है, कॉपर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉपर लॉस, बी कौन सा है, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस होता है ये हमेशा वाइंडिंग में होगा, जैसे कि आपका आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है, क्या होगा, आई ए स्क्वेयर आर, ठीक है, डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है, क्या होगा, आई सीरीज स्क्वेयर आर सीरीज,
और इसी प्रकार आपका शंट फील्ड में, इसमें शंट फील्ड में, ठीक है, शंट फील्ड में क्या होगा, आई शंट स्क्वायर आर शंट। इसके अलावा कॉपर लॉस में हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बी सी डी होता है, ब्रश कॉन्टैक्टर, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ये भी किस में आता है, कॉपर लॉस में आता है। तो कॉपर लॉस होते हैं हमेशा वो किस पे निर्भर करते हैं, यहाँ पे लोड करंट की स्क्वायर पे, क्यों, कि श्रेणी में आए जो सीरीज करंट है वो लोड करंट के बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि जो कॉपर लॉस होते हैं वो हमेशा करंट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका इसका जो भाग आता है वो आता है मैकेनिकल लॉस, यानी यांत्रिक हानि, ठीक है। तो जैसे तीसरा है आपका सी मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक हानि। अब जो मैकेनिकल लॉस है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक तो आपका घर्षण हो सकता है, जैसे बियरिंग में, ब्रश में, तो एक तो घर्षण हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया विंडेज, विंडेज, ठीक है। तो ये घर्षण किस में हो सकता है, आपकी बियरिंग में हो सकता है और ब्रश में हो सकता है, क्यों, कि ब्रश का कम्यूटेटर के साथ क्या होता है, घिसता हुआ संपर्क होता है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कौन कौन सा है, बियरिंग में हो सकता है और आपका ब्रश में हो सकता है, ठीक है। और विंडेज ये किसके कारण होता है, वायु घर्षण के कारण होता है, किसके कारण होता है, वायु घर्षण के कारण, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्या है, लॉस। और इसके अलावा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो यांत्रिक हानि होती है, यानी मैकेनिकल लॉस, मशीन की स्पीड पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, मशीन की स्पीड पर निर्भर करेगा कौन सा, यांत्रिक लॉस। जबकि आपका जो कॉपर लॉस होता है, ठीक है ना, कॉपर लॉस होता है वो हमेशा किसके, लोड करंट के स्क्वायर के। जबकि आपका आयरन या कोर लॉस होता है ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज की स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यांत्रिक लॉस है वो हम किस पर निर्भर करता है, स्पीड पे, कॉपर लॉस, लोड करंट की स्क्वायर पर, आयरन या कोर लॉस आपका वोल्टेज स्क्वायर यानी सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लॉस को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है, एक तो नियत हानि और एक आपकी परिवर्तनशील, ठीक है। तो पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि आपके पास जैसे आयरन लॉस है, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, ये किसके बराबर होता है, स्ट्रे लॉस के, स्ट्रे लॉस। ये बहुत बार पूछा गया है कि आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस क्या होता है, स्ट्रे लॉस होता है। और जो नियत हानि होती है, कांस्टेंट लॉस होता है आपका, कांस्टेंट लॉस होता है वो हमेशा क्या होता है कि स्ट्रे लॉस लिख सकते हो आप, या यहां से लिख दीजिए, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस प्लस, और जो आपका शंट फील्ड है उसमें हमेशा करंट क्या रहता है, नियत रहता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, शंट फील्ड लॉस, या आप क्या लिख सकते हो, आई शंट की स्क्वायर प्लस, इसके अलावा क्या लिख सकते हो,
आई सेंट की स्क्वेयर और प्लस में क्या लिख सकते हो आर सेंट, सॉरी क्या होता है आई सेंट स्क्वेयर इंटू आर सेंट होता है इसका मान। तो क्योंकि इसमें करंट का मान क्या रहता है नियत रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आपने सेंट फील्ड लिखा है इसको क्या है आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, ऐसा आप नोट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। लेकिन यदि वाइंडिंग की बात हो रही है तो आप शंट फील्ड कर सकते हो, शंट फील्ड। और यहां पर सप्लाई वोल्टेज की, क्यों कि यहां पर तो आपका क्या है कि जो शंट फील्ड का वोल्टेज रहता है वो नियत रहता है, तो उस केस में कांस्टेंट लॉस सही है। और शंट फील्ड वाइंडिंग का बात की जाए कॉपर लॉस के, तो ये एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। तो यहां से आपके पास स्ट्रे लॉस आ गया, कांस्टेंट लॉस आ गया, और जो वेरिएबल लॉस होते हैं, वेरिएबल लॉस वो क्या है कॉपर लॉस है, वेरिएबल लॉस बराबर क्या है आपके कॉपर लॉस है, ठीक है। तो कॉपर लॉस आई ए स्क्वेयर आप क्या लिख सकते हो आर ए लिख सकते हो, इसके अलावा आई सीरीज आर सीरीज, आई सीरीज की स्क्वेयर आर सीरीज भी आपका क्या है कॉपर लॉस ही है, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स में आपको क्या नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब जो टोटल लॉस होगा, टोटल लॉस होगा वो क्या होगा आपका कि कांस्टेंट लॉस यानी नियत हानि प्लस वेरिएबल वेरिएबल लॉस, ठीक है। टोटल लॉस बराबर क्या होता है कांस्टेंट लॉस प्लस में वेरिएबल लॉस होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें किसकी दक्षता की बात करें, किसकी बात करें दक्षता की बात करें, ठीक है। तो आपको पता है कि दक्षता बराबर क्या होता है आउटपुट बटे इनपुट, और हम जानते हैं कि इनपुट बराबर क्या होता है आउटपुट प्लस में लॉस होता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, नया फॉर्मूला आपके पास दक्षता का क्या आ गया आउटपुट बटे आउटपुट प्लस में लॉस। तो यहां से आपको पता है आउटपुट क्या है आपका वोल्टेज इनटू टर्मिनल का करंट, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा वी आई एल प्लस लॉस कौन से हैं कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस आई स्क्वायर आर एल, ये नोट कर सकते आर्मेचर का आप नोट कर सकते हो यहां से, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि कोई भी आपकी सीरीज फील्ड है, ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो सकता है कि आई ए बराबर किसके हो जाएगा, देखिए चूंकि आप जानते हैं आई ए बराबर किसके है आई एल प्लस में आई सेंट के। अब आपको पता है सेंट तो क्या है आपका कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, तो आई ए बराबर किसके हो गया आई एल के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया आई एल के। तो आप इसे आई ए भी लिख सकते हो आई एल भी लिख सकते हो, और इसे नॉर्मली भी आप क्या कर सकते हो प्रदर्शित कर सकते हो। तो दक्षता अधिकतम किस कंडीशन में होगी यहां से बताइए, ठीक है, दक्षता अधिकतम किस कंडीशन में होगी, ठीक है। तो दक्षता अधिकतम के लिए कंडीशन क्या रहेगी कि आपके जो नियत हानि है वो किसके बराबर होनी चाहिए वेरिएबल लॉस के क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, उसी कंडीशन में आपकी दक्षता क्या है बराबर होगी, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये क्या है नियत लॉस और ये क्या है वेरिएबल लॉस है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, ठीक है, अधिकतम दक्षता की कंडीशन क्या है आपकी कांस्टेंट
लॉस बराबर किसके होना चाहिए, वेरिएबल लॉस के। कांस्टेंट लॉस क्या आपका डब्ल्यू सी, और वेरिएबल लॉस क्या है आई स्क्वायर आर। तो यहां से इस कंडीशन में ही आपकी क्या होगी दक्षता अधिकतम होगी। तो अधिकतम दक्षता की कंडीशन में करंट क्या होगा, आर का इसमें भाग दीजिए और स्क्वायर हटा दीजिए, तो आपका आई बराबर क्या जाएगा अंडर द रूट डब्ल्यू सी अपॉन में क्या जाएगा आर हो जाएगा। तो ये अधिकतम दक्षता की कंडीशन में करंट है, और यदि आप इसका ग्राफ खींचना चाहते हो करंट आई और किसमें दक्षता में, ठीक है, तो आपको पता है कि ये तो क्या है आपके कांस्टेंट लॉस है, कांस्टेंट लॉस है। हमेशा कांस्टेंट लॉस क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, मशीन भले ही किसी लोड पर प्रचालित की जा रही हो। ध्यान में रखना है कि जो नियत हानि होती है वो मशीन में नियत बनी रहती है, भले ही आप उस मशीन को नो लोड पे चला रहे हो या फुल लोड पर चला रहे हो, ठीक है। तो कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस होंगे वो क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। ये आपके कौन से हैं, वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर वेरिएबल लॉस का मान कांस्टेंट लॉस के क्या होता है, बराबर होता है, और उसी कंडीशन में आपकी दक्षता क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। उसी कंडीशन में आपकी दक्षता क्या होगी, अधिकतम। तो यहां पर आपकी दक्षता क्या है, अधिकतम है, और इस कंडीशन में करंट क्या होगा, आई बराबर अंडर द रूट कांस्टेंट लॉस बटे आर। इसे आप आर ए मान लीजिए, आर सीरीज मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसका जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है पावर स्टेज, ठीक है, पावर स्टेज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी मशीन है, जैसे डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले उसको यांत्रिक इनपुट दिया जाता है, और यांत्रिक इनपुट देने के बाद उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी पावर डेवलप होती है, और उसके बाद ही आपको क्या है टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब पावर की कितनी स्टेज होगी, तो हम क्या लिखेंगे, पावर स्टेज ऑफ डीसी जनरेटर। तो देखिए ठीक है, तीन स्टेज हो गई, इसे नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या दिया जाता है, यांत्रिक इनपुट, तो ये किस में होगा, बीएसपी ब्रिटिश हॉर्स पावर में, या आप क्या लिख सकते हो इसे पीएम मैकेनिकल इनपुट, ठीक है। यहां पर पावर उत्पन्न होती है, वो क्या उत्पन्न होती है, ईजीआईए पावर उत्पन्न होती है, और उसके बाद में टर्मिनल पे पावर क्या प्राप्त होती है, आयर। तो इस भाग में यहां पर कौन से लॉस होते हैं, रोटेशनल लॉस, क्यों कि आप क्या कराते हो उसको, घूर्णन कराते हो, तो वो कौन से हैं, रोटेशनल। और रोटेशनल लॉस किससे बनते हैं, आपके आयरन या कोर लॉस, उसके साथ साथ मैकेनिकल लॉस होते हैं, वो कौन से होते हैं, रोटेशनल। और यहां पर जो वाइंडिंग में होंगे वो क्या होंगे, कॉपर लॉस होंगे, क्या होंगे, कॉपर लॉस। तो ये भाग यांत्रिक हो गया, ये क्या हो गया, विद्युतीय हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से कि यहां पर मैं दक्षता निकालता हूं, यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, तो इनपुट ये है और इसका आउटपुट ये है, तो हमेशा दक्षता क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो यहां पर क्या है, बी बटे ए, क्या हो गया, बी बटे ए, ठीक है। तो बी का मान क्या है, यहां पर ई जी
आई ए बटे पी एम मैकेनिकल पावर, ठीक है। और यदि आपको एच पी में दिया गया हो तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ई जी आई ए बटे बी एच पी गुणा हॉर्स पावर, यानी ब्रिटिश हॉर्स पावर गुणा 735.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यांत्रिक दक्षता आ गई। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, विद्युतीय निकालनी है। तो ये सेक्शन कौन सा है, विद्युतीय का, ठीक है। तो इसके लिए ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट। तो यहां पर विद्युतीय दक्षता, विद्युतीय दक्षता तो वो क्या होगी, सी बटे बी। सी का मान क्या है, वी आई एल, और इसका मान क्या है, ई जी आई ए। तो ये कौन से आ गए, विद्युतीय दक्षता आ गए। और अब यदि आपको टोटल दक्षता निकालनी है, टोटल टोटल निकालोगे तो दोनों को गुणा करा दीजिए, यांत्रिक गुणा विद्युतीय, यांत्रिक टोटल बराबर क्या हो जाए, यांत्रिक गुणा विद्युतीय। यांत्रिक बराबर क्या था, B बटे A, और विद्युतीय बराबर क्या था, C बटे B। तो यहाँ B से B कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या गया, C बटे A, और C का मान क्या है, यहाँ से V I L है, और इसका मान क्या है, B H P गुणा 735.5। तो ये आपके क्या आ चुकी है, ओवरऑल दक्षता आ चुकी है। तो इस प्रकार हमारा डीसी जनरेटर का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डीसी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।